भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, सबकी सीमाएं खत्म और ये सभी देश बन जाएंगे सीमा मुक्त क्षेत्र। जी, यह भी कल्पना ही है, लेकिन इसे हवा दे दी है श्रीलंका के राष्ट्रपति ने। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बंगाल की खाड़ी स्थित देशों के मंच बिम्स्टेक को पर्यटन के लिहाज से एक सीमा मुक्त क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया है। बिम्स्टेक में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। विक्रमसिंघे भारतीय ट्रेवल एजेंट संघ के 67वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी स्थित 7 देशों के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग मंच बिम्स्टेक को पर्यटन का एक सीमा मुक्त क्षेत्र बना दिया जाना चाहिए। 4 दिवसीय TAI सम्मेलन का विषय सीमाओं को पार करना और जीवन को बदलना है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका को दिवालियापन का सामना करना पड़ा और अब जब हम इससे बाहर निकल रहे हैं तो ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी याद रखना होगा कि व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए हमें आने वाले समय में व्यापार का सकारात्मक संतुलन सुनिश्चित करना होगा। धन जुटाने का एक तरीका जो ऋण पैदा करने वाला नहीं है वो पर्यटन है, इसलिए इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। विक्रमसिंघे ने श्रीलंका को 2022 के संकट से तेजी से उभारने में मदद करने के लिए उनकी सरकार द्वारा बनाई गई 7 गोल्फ कोर्स और अधिक रिसोर्ट सहित कई परियोजनाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र की योजनाओं को समायोजित करने के लिए कुछ कानूनों में बदलाव किया जाएगा। श्रीलंका का कहना है आने वाले 10 वर्षों में आपके पास एक नया उद्योग होगा, इसके लिए संपर्क सुविधाओं को भी तैयार करना होगा। विक्रमसिंघे का कहना है कि उनका सुझाव है कि समूचे बिम्स्टेक को ही क्यों ना एक व्यापक पर्यटन क्षेत्र बना दिया जाए। हम बिम्स्टेक को खोलते क्यों नहीं है? हम बंगाल की खाड़ी का इस्तेमाल समुद्री सफर के लिए क्यों नहीं करते? उन्होंने ये भी कहा है कि बिम्स्टेक को खोलने से ये बाहर से आने वाले किसी भी सैलानी के लिए एक सीमा मुक्त व्यापार पर्यटन क्षेत्र बन जाएगा। श्रीलंका में GDP में पर्यटन का योगदान लगभग 5% है, जिसमें ब्रिटेन, भारत और चीन सबसे बड़े मुख्य बाजार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।